नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा विजय। खबरों की शुरुआत करेंगे पटना से। संविधान बचाओ संघर्ष समिति को धरना में भारतीय मित्र पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा, धरने पर बैठे नौजवानों के हौसले को मैं सलाम करता हूँ, और साथ ही कहा कि ये नौजवान समाज के सभी वर्गों के लिए धरना पर बैठे हैं और प्रशासन से अनुरोध किया कि वो इनका समर्थन करें। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के हिंदुओं को हम जगह देंगे अपने भारत में। दूसरी तरफ आसाम के अंदर 19,06,653 आदमियों की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, जिसमें 15,00,000 सिर्फ हिंदू है। विदेश के हिंदुओं को हम बसाने की बात करते हैं और यहाँ के हिंदुओं को हम बेघर कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति है। भारतीय मित्र पार्टी प्रतिज्ञाबद्ध है कि जब तक ये काला कानून केंद्र सरकार वापसी नहीं लेगी, तब तक भारतीय मित्र पार्टी, और मैं तो कहता हूँ हर एक नौजवान को, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को, इस काले कानून के विरोध में रोड पे आना चाहिए। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने मधुबनी के कलुआही में स्थित त्रिलोकनाथ प्लस टू उच्च विद्यालय परिसर में मानव श्रृंखला के समर्थन में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद डीएम के नेतृत्व में विद्यालय परिसर से सेली बेली तक बाइक रैली निकाली गई। सिलाव प्रखंड के नानद गांव में हुए विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल नानद गांव पहुंची। टीम ने सांसद के द्वारा गांव को गोद लेकर की गई विकास कार्यों का जायजा लिया। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रोग्राम है। ये जो गांव है नांदगांव, ये फेज वन में लिया गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। तो मैं ये गांव देखने आया था कि इस गांव में किस तरह के काम हुए हैं। ये गांव जो है माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी द्वारा चयनित गांव है, और ये 2015 में चयनित किया गया था। तो अभी मैं उनसे मिला भी हूँ थोड़ी देर पहले, और ये गांव में देखने आया था कि यहाँ पे किस तरह के काम सैगी के अंतर्गत हुआ है। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर आहूत राज्य स्तरीय मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर मोकामा में लगातार जागरूकता रैली आयोजित की जा रही है। बड़ी संख्या में मोकामा के शिक्षकों ने प्रखंड कार्यालय से बाइक रैली निकाली और लोगों में मानव श्रृंखला को सफल बनाने का संदेश दिया। इस बाइक रैली में प्रखंड के तमाम शिक्षकों ने शिरकत की। दूसरे दिन क्या कार्यक्रम हुआ है? दूसरे दिन शिक्षकों की बाइक रैली निकाली गई। शिक्षक जो हमारे मेन रूट हैं, उस रूट पर रैली निकालते हुए जाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, ताकि जो भी लोग हैं वो पर्यावरण की महत्ता को समझते हुए 19 तारीख को 11:30 से लेकर 12 बजे तक मानव श्रृंखला का अटूट हिस्सा बन सके, और हम पूरे समाज को, पूरे विश्व। मसौरी एसडीएम संजय कुमार के नेतृत्व में स्थानीय गिरजा कुंवर उच्च विद्यालय में जल जीवन हरियाली, दहेज प्रथा और बाल विवाह हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया, तथा 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला के लिए मॉक ड्रिल भी करवाया गया। कटिहार में उत्पाद विभाग हमला मामले में एक नामजद सहित 100 अज्ञात ग्रामीणों के विरुद्ध उत्पाद निरीक्षण ने सहायक थाना में मामला दर्ज करवाया। पूरा मामला रानीघाट बांध के समीप छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का था। जनवरी 2020 को राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव में विधानसभा
सीलमपुर से सुखदेव सिंह अल्लाह बख्श को, शहदरा विधानसभा से नंद किशोर तिवारी को, राजेंद्र नगर अरविंद कुमार शर्मा को और नई दिल्ली के पहाड़गंज से श्रीमती रंजना ताइड़े को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, बिहार, झारखंड और अब दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव में राजपा अपने प्रत्याशी उतार रहा है। देखिए, आज हम सुखदेव सिंह जी को सीलमपुर से हम अपना कैंडिडेट बनाए हैं और अल्लाह बख्श जी को सहादरा से कैंडिडेट बनाए हैं। यहाँ पर आम आदमी का सरकार पूरा आतंक मचाए हुआ है। यहाँ सांप्रदायिकता का आग लगाकर आग के धुएं के पीछे जो केजरीवाल सरकार अपना उल्लू सीधा करता है, इसलिए मैं इनको टिकट दिया है। जीत कर चारों तरफ विकास करेंगे, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाएंगे, औद्योगिक क्रांति लाकर सबको रोटी कपड़ा और मकान दिल्ली में ही देने का काम करेंगे। पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक कुरीतियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर होने वाले मानव श्रृंखला का निर्माण में हिस्सा लेने को लेकर लोगों से समर्थन की मांग की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा जल जीवन हरियाली, दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराबबंदी जैसी सामाजिक कुरीतियों को लेकर आगामी 19 जनवरी को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। 19 जनवरी 2020 को जो विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनने वाली है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के आह्वान पर जल जीवन हरियाली के पक्ष में जो मानव श्रृंखला बननी है, उसमें छात्र युवाओं की भूमिका अहम होगी और इसी की तैयारी के लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली होगी, जीवन में खुशहाली होगी, उक्त स्लोगन के साथ मकेर प्रखंड के सेविका एवं सहायिकाओं के साथ डीपीओ वंदना पांडे एवं सीडीपीओ मंजू रानी ने मकेर बाजार में मानव श्रृंखला को ले जागरूकता रैली निकाली, जो सीडीपीओ कार्यालय से निकलकर पूरे मकेर बाजार का भ्रमण किया। सारे जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, सभी एकजुट होके हाथ से हाथ मिलाकर इस बात को सका संकल्प ले कि हम लोग जल जीवन हरियाली के साथ पौधे लगाएंगे, जल के संचयन के जितने भी तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर जो भी होता है हम लोग अपनाएंगे, और जब तभी हमारा फसल, हमारा जीवन और हमारा वाटर लेवल ठीक रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पे जो ये समाज सुधार या जीवन की जो आवश्यकता है, इसके तहत हमारा पूरा आईसीडीएस पूरे जिला में लगा हुआ है। और मुजफ्फरपुर शहर के अहियारपुर थाना क्षेत्र स्थित सड़कों पर वरीय पुलिस अधीक्षकों के निर्देशों अनुसार चलाया जा रहा है वाहन जांच अभियान। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने गाड़ी की कागजात सहित बाइक सवार चालक एवं बाइक पर बैठे व्यक्तियों का बॉडी भी जांच किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए बिहार न्यूज़, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।